हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं रूपल। तो आज मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स। ये इंडिया टीवी का वीडियो है, इंडिया टीवी दिवाली ड्रैगन का दिवाला। और ये स्पेशल रिपोर्ट, इस दिवाली जिनपिंग की चाइनीज माल क्यों नहीं बिका। तो ये मतलब इस दिवाली में चाइनीज माल नहीं, हमारा इंडियन ज़्यादा बिका है, चाइना का मार्केट में इतना बिका नहीं है, इसी के ऊपर ये वीडियो है, रिपोर्ट है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो देखें। और क्या करना है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें। आइए पहले देख लेते हैं ये गुड न्यूज़। हमारे लिए तो गुड न्यूज़ ही है, उसके बाद हम बात करते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। और कोरोना के बाद हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स को समझना। दिवाली में इंडिया की इकोनॉमी ने कैसे बहुत बड़ा शिफ्ट किया है, कैसे इंडिया की दिवाली में ड्रैगन का दिवाला निकल गया, और क्यों 657 दिन से जिनपिंग चीन से बाहर नहीं निकले हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर इंडियन मार्केट बूम कर गया और चाइनीज मार्केट का दिवाला निकल गया। लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसी कि 10 साल के रिकॉर्ड टूट गए। भारत के व्यापारियों की संस्था द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बार ऐसे आंकड़े दिए हैं जिनकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। इंडिया की इकोनॉमिक पावर सारी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। CAIT यानी द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 की दिवाली में भारत के व्यापारियों ने 35,000 करोड़ का कारोबार किया। इस साल 2017 में 43,000 करोड़ का कारोबार हुआ। साल 2018 में 50,000 करोड़ का कारोबार हुआ। साल 2019 में 60,000 करोड़ का कारोबार हुआ। साल 2020 में 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ। इस साल यानी 2021 कुल 125 करोड़ यानी 1,25,000 करोड़ का कारोबार हो गया। यानी 2020 के मुकाबले 2021 में इंडियन मार्केट ने करीब 53,000 करोड़ रुपए ज्यादा बिजनेस किया। अगर परसेंट की बात करें तो 2020 के मुकाबले 2021 में इंडियन मार्केट ने करीब 74% ज्यादा कारोबार किया है। दिवाली पर अचानक 74% की ग्रोथ के दो मतलब हैं। पहला ये कि भारत में कोरोना के बाद आए इकोनॉमिक स्लोडाउन पर अब करीब करीब ब्रेक लग चुका है, और दूसरा ये कि जो पैसा चाइनीज कंपनियों की जेब में जाना था वो अब भारत के व्यापारियों की जेब में गया है। यानी लोकल फॉर वोकल का नारा चल गया है। ये भारत के लघु उद्योगों के लिए शुभ संकेत है। इस दिवाली में ये साबित हो गया कि भारत दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया की महाशक्तियां भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 657 दिनों से गायब हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले दुनिया के दो ग्लोबल लीडर्स के ये दो बयान सुनिए जिनसे आज की तारीख में भारत और चीन की ताकत का अंदाजा लगता है। अमेरिका और ब्रिटेन। There's one guy who particularly understands how to do that and who shares that agenda and who understands that a single hour of sunshine provides enough energy to power the whole earth for a year. You know that, to power all human activity on earth, I should say, for a year. The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India. Ladies and gentlemen, excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. I think it's been a big mistake, quite frankly, for China, with respect to China, not showing up. The rest of the world is going to look to China and say, what value added are they providing? And they've lost an ability to influence people around the world. भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत की इकोनॉमी महानगरों और मेट्रो शहरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से आगे बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी के बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। CAIT ने अनुमान लगाया था कि दिवाली पर भारत के व्यापारी सिर्फ 1,00,000 करोड़ का ही कारोबार कर पाएंगे,
लेकिन उम्मीद से ज्यादा कारोबार हुआ और दिवाली पर भारत के लोगों ने 1,25,000 करोड़ की खरीदारी की। CAIT का अनुमान है कि इस साल के अंत तक इंडियन ट्रेडर्स 3,00,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर लेंगे, क्योंकि अब 14 नवंबर से वेडिंग सीजन शुरू होने जा रहा है और ये भारत के बाजार के लिए और भी शुभ समाचार है। इस दिवाली में अकेले दिल्ली में ही 25,000 करोड़ की शॉपिंग हुई। दिवाली पर 9,000 करोड़ की ज्वेलरी बिक गई। 15,000 करोड़ के गिफ्ट आइटम्स और पैकेज सामान खरीदे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी कारोबार हुआ है उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का भी प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020 के मुकाबले इस साल ऑनलाइन शॉपिंग में 23% का इजाफा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग अब छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा हो रही है। एक बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजोन ने अपने आंकड़ों में बताया कि दिवाली के सीजन में उसे 79% ऑर्डर छोटे शहरों से मिले हैं। सबसे बड़ी बात, भारत में 3,60,000 MSME यानी लघु उद्योग वाली छोटी कंपनियों ने खुद को अमेजोन पर सामान बेचने के लिए रजिस्टर किया है। यानी लघु उद्योग चलाने वाली भारत की 3,60,000 कंपनियां अब ऑनलाइन सामान बेच रही हैं। ये लघु उद्योग के सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम है। बिजनेस एक्सपर्ट स्मार्टफोन को लाइफस्टाइल से जोड़कर देखते हैं। अमेजोन ने अपने आंकड़ों में बताया कि भारत में इस बार उसकी वेबसाइट से 10 लाख लोगों ने पहली बार स्मार्टफोन खरीदा है। खास बात यह है कि 85% 5G सेल फोन बिके। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिवाली पर जितना भी ऑनलाइन बिजनेस हुआ है उसका 61% फ्लिपकार्ट ने किया है। यानी आंकड़े और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। भारत का बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है। जिस संस्था CAIT के आंकड़े हमने आपको बताए वो देश के 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। CAIT ने एक सर्वे किया है जिसमें दुकानदारों ने ही बताया कि अब लोग सामान खरीदने से पहले ये पूछ रहे हैं कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो मेड इन इंडिया है या नहीं, यानी चीन का सामान का बायकॉट किया जा रहा है। CAIT के मुताबिक चीन की कंपनियों को दिवाली के सीजन में करीब 50,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यानी दिवाली से ठीक पहले राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को बढ़ावा देने की जनता से जो अपील की थी वो सफल होती नजर आ रही है। एक जमाना था वेरी गुड जब मेड इन ये कंट्री मेड इन वो कंट्री इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 657 दिनों से घर पर बैठे हुए हैं। शी जिनपिंग पिछले एक साल 9 महीने
और 18 दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आजकल शी जिनपिंग वर्चुअल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, यानी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में भी शी जिनपिंग शामिल नहीं। इटली के रोम में हुई G20 की बैठक में भी शी जिनपिंग नहीं आए। SCO की बैठक के लिए भी शी जिनपिंग दुशांबे नहीं गए। COP26 की बैठक में तो शी जिनपिंग का लिखित बयान पढ़ा गया, क्योंकि शी जिनपिंग वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी नहीं जुड़ पाए। चीन ने आरोप ये लगाया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए लिंक ही नहीं मुहैया कराया गया। शी जिनपिंग आखिरी बार चीन से बाहर जनवरी 2020 में गए थे, जब उन्होंने म्यांमार का दौरा किया था। कोरोना के बाद से उन्होंने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया है। सवाल ये है कि क्या जिनपिंग अपने ही द्वारा पैदा किए गए कोविड से बहुत ज्यादा डर गए हैं? क्या शी जिनपिंग की पार्टी की अंदरूनी कला उनको चीन से बाहर नहीं जाने दे रही है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कोई शी जिनपिंग को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है, जिससे निपटने के लिए जिनपिंग का चीन के अंदर ही रहना जरूरी हो गया है? क्या जिनपिंग दुनिया से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या वो कोविड फैलाने के आरोपों के बाद दुनिया के नेताओं से मिलने में हिचकिचा रहे हैं, यानी वो अपने ऊपर लगे आरोपों की वजह से शर्मिंदा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि अब कोविड के बाद उनको वैसा सम्मान नहीं मिलेगा जैसा कि वो तमाम देशों से चाहते हैं? ये वही शी जिनपिंग है जो ग्लोबल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे थे। कोविड से पहले शी जिनपिंग ने विदेशी दौरों के मामले में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुपर पावर अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा औसतन 25 दिन अमेरिका से बाहर बिता रहे थे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान सालाना औसतन 23 दिन अमेरिका से बाहर बिता रहे थे, लेकिन शी जिनपिंग सालाना औसतन 34 दिन चीन के बाहर बिता रहे थे। लेकिन अब 21 महीनों से शी जिनपिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच से गायब है और उनके घर में बंद होने पर दुनिया के कई बड़े अखबारों में लगातार लेख लिखे जा रहे हैं। जब दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है तो चीन की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सवाल ये है कि अचानक हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होने की वजह क्या है और ये सब कोरोना के बाद ही क्यों हुआ है? हाल फिलहाल में चीन से आई खबरों पर गौर कीजिए। 11 प्रांतों में दोबारा कोरोना के केस आए हैं। चीन में रियल स्टेट डूब रहा है। चीन में एनर्जी क्राइसिस चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल बन रहा है और इसका फायदा शी जिनपिंग के विरोधी लेने वाले हैं? इसी महीने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के कामकाज की चर्चा होगी और शी जिनपिंग के कार्यकाल की भी समीक्षा की जाएगी। अगले साल कम्युनिस्ट पार्टी की एक और बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग के आने वाले 5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगनी है। सवाल है कि क्या अब शी जिनपिंग अंदरूनी चुनौतियों से ही इस तरह घिर गए हैं कि उनकी चिंता चीन को सुपर पावर बनाने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने पर है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तलाश रहे हैं। इंडिया टीम। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो था। ये मैं स्टार्टिंग में ही बोली ना, ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। सही में इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि करीब करीब 170 करोड़ का कारोबार इस बार दिवाली में हुआ है हमारे इंडिया में फ्रेंड्स। यही आगे के सालों में कोई 50 करोड़ का मतलब होता था, ऐसे कोई 48 करोड़ का वगैरह का होता था, और जो हाई है वो कोई 90 करोड़ के आसपास है था। इस बार 170 करोड़, यानी बहुत ही अच्छा कारोबार हुआ है हमारे इंडिया में। और उसका मेन जो कारण है फ्रेंड्स, वो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया फ्रेंड्स। तो हमने भी पूछा था, हम भी जब लाइट लेने गए थे फ्रेंड्स, हमने भी पूछा था कि ये मेड इन इंडिया है ना, तो बोले कि हाँ ये मेड इन इंडिया है, तभी हमने खरीदी थी फ्रेंड्स। आप भी चीज़ों में पूछो और मेड इन इंडिया हो तो ही आप खरीदो फ्रेंड्स, स्वदेशी खरीदो। अब स्वदेशी खरीदने से हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी बूस्टर मिलेगा फ्रेंड्स। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारे घर में इंडिया में बनी हुई चीज़ें आएगी और उससे हमारा देश में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो हम वही चीज़ क्यों ना खरीदें जिससे हमारे देश में कुछ फ़ायदा हो। दूसरे की देश
की इकोनॉमी को हम बूस्टर क्यों करें फ्रेंड्स, और वो देश की हम इकोनॉमी बूस्टर क्यों करें, क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने में डे बाय डे इसकी इकोनॉमी काफ़ी हाई होती जा रही है फ्रेंड्स, उसकी जो जीडीपी है वो काफ़ी हाई होती जा रही है, उसी के बदौलत ही चाइना आगे बढ़ रहा है, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी हम इंडियन की भी है, हमारे इंडिया से भी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो कारोबार है उसके यहाँ बनी हुई चीज़ें काफ़ी आती है हमारे इंडिया में, और हम लोग उसको लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन दो सालों से मोदी जी ये बोल रहे हैं, और इस साल दुनिया ने देख लिया हमारे इंडिया का पावर और हमारे इंडियन की करामत। देखिए फ्रेंड्स, सब हम लोग एक साथ आएंगे तो हम इंडियंस को कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मिलजुल के हमारा इंडिया का फ़ायदा हो, वैसा ही हम सोचे और वैसा ही हम करें फ्रेंड्स। तो इस दिवाली हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया फ्रेंड्स, और आगे भी आप इसको मत भूले, मेड इन इंडिया ध्यान में रखे फ्रेंड्स, ज़रूर पूछे और पूछ के चीज़ खरीदे फ्रेंड्स, चीज़ें हम अपने परिवार पे हमेशा विश्वास जताते हैं फ्रेंड्स, हम पड़ोसी पे विश्वास नहीं जताते, बात कोई भी बात है तो हम अपने परिवार पे विश्वास जताते हैं। तो फिर इंडिया, हम एक परिवार है, हम इंडिया की ही चीज़ें क्यों ना खरीदें, हम पड़ोस में जो चीन वगैरह से आई है वो सब चीज़ें हम क्यों खरीदें, हम पड़ोसियों पे क्यों विश्वास जताएं फ्रेंड्स। तो हम अपने परिवार पे ही विश्वास जताएंगे, हम हमारे इंडियन पे ही विश्वास जताएंगे, और हमारे इंडिया को हम आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो इंडियन चीज़ें ही खरीदें फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये रही कि कोई 600+ देश वगैरह से ये शी जिनपिंग तो बाहर गए ही नहीं हैं, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो से ही मतलब सब ऑनलाइन ही वो सब जुड़ते हैं और बात करते हैं, तो उससे भी उसको काफ़ी अब उसके देश की ही अंदर की ही कुछ पॉलिटिक्स है या हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना तो बोल रहा है कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, या क्या पता उसका ही बेटा है ना ये कोरोना, तो चाइना ही तो पिताश्री है ना कोरोना का, पता नहीं उसके बेटे से ही डर गए ये कोरोना से, उसका ही दिया गया है ये, उससे ही डर गए ये कोरोना से, क्या कारण है पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है हमारे इंडिया के लिए फ़ायदा है ना, भले घर में बैठे कोई दिक्कत नहीं, हमारे मोदी जी जा रहे हैं ना सब जगह फ्रेंड्स, तो हमारे लिए यही काफ़ी है फ्रेंड्स। हम तो हर दम यही चाहेंगे हमारे इंडियन और हमारा इंडिया आगे बढ़े फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई फैक्ट मिस हो गया हो तो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ही देखते देखते बहुत जोश में आ जाती हूँ ऐसी सब वीडियो से फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओरिजिनल वीडियो को देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंडिया टीवी की ये वीडियो है फ्रेंड्स, और मेरा भी चैनल देखें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अभी मेरा सब्सक्राइब थोड़ा अटक गया है, आप सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, मेरे को सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अब मिलते हैं ऐसे ही कहीं प्राउड वाली वीडियो में फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।